Hello students, myself G.S. Chauhan, Team Botany, CLC Seeker. हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मिड सेशन DTS सेकेंड, जिसमें हमने टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो है प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट, और इसमें प्लांट फिजियोलॉजी की जो फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट फिजियोलॉजी है, उसको रखा गया है, मीन्स ट्रांसपोर्ट तक, और दूसरा डाइवर्सिटी के अंदर कंप्लीट डाइवर्सिटी है. ओके, नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 101 है. इसमें कहा गया है कि विच इज यूज्ड ऑफ यूज ऑफ ट्रेडोफाइट्स, निम्न में से कौन ट्रेडोफाइट के उपयोग हैं. ध्यान दें, यहाँ पर उपयोग की बात हो रही है. तो हमारी NCERT में लिखा हुए हैं कि जो ट्रेडोफाइट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्नामेंटली यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, सॉयल बाइंडर के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन हम उसको टिम्बर प्रोडक्शन बाय सिलेचिनेला, क्योंकि सिलेचिनेला एक हर्बेशियस प्लांट है, बहुत ही छोटा प्लांट है, इसमें वुड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. वुड का फॉर्मेशन वहीं पर होता है जहां पर सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है. तो इसीलिए ये यूज नहीं है, लेकिन ये आपके लिए यूज है, ये यूज है, तो अपना आंसर जो बन जाएगा वो फोर्थ बन जाएगा. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम देख पा रहे हैं, हेटरोस्पोरी फाउंड इन फॉलोइंग प्लांट. देखो यहाँ पर जो नीट का ट्रेंड है उसके बेसिस पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है ट्रेडोफाइट से. हेटरोस्पोरी और सीड हैबिट, ये दो कहाँ पर स्टडी होते हैं, तो वो स्टडी होते हैं अपने सिलेचिनेला में. सिलेचिनेला में हेटरोस्पोरी है, और याद रहे ट्रेडोफाइट के कुछ मेंबर में हेटरोस्पोरी है, जिम्नोस्पर्म के सभी मेंबर्स में हेटरोस्पोरी है, एंजियोस्पर्म में सभी में हेटरोस्पोरी है, मतलब माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इक्विसिटम में हेटरोस्पोरी नहीं है. तो इसका मतलब है सिलेचिनेला और पाइनस हमारे लिए दोनों ही राइट आंसर बनते हैं, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच इज कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का क्या लक्षण है. NCERT में लिखा गया है कि जिम्नोस्पर्म नॉर्मली एक जीरोपिडिक प्लांट है. क्यों? क्योंकि इन्होंने रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए थिक क्यूडिकल बना रखी है ये, और सनकन स्टोमेटा है. जो इनकी निडिल्स होती हैं, एक्चुअली ये इस तरीके से इनमें निडिल्स होती हैं ट्राइंगुलर. इन निडिल का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो वो कुछ ऐसे नज़र आती हैं. इनमें यहाँ पर सनकन स्टोमेटा होते हैं, इस जगह पर पिट के अंदर हमें सनकन स्टोमेटा देखने को मिलते हैं. तो वो चीज़, अब यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पॉइंट है, और इस तरीके से यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ इस सनकन स्टोमेटा की लोकेशन हमें देखने को मिलती है. इस तरीके से सनकन स्टोमेटा है, और इसमें हमें गड्ढे के अंदर या पिट के अंदर स्टोमेटा की लोकेशन देखने को मिलती है. थिक क्यूटिकल की बात की जाए तो इसके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, इसे हम थिक क्यूटिकल कहते हैं. तो सनकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल का होना ये यूनिक करेक्टर होता है आपके जिम्नोस्पर्म का या जीरोफिटिक प्लांट्स का. ये बात क्लियर कट इस NCERT में लिखी है. यहाँ पर एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात की जाए तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट है और इनके अंदर वैस्कुलर बंडल की प्रेजेंस होती है. एब्सेंस ऑफ सीड नहीं, ये स्पर्मेटोफाइट है, तभी तो हम जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, तो दे आर नेकेड सीड बियरिंग प्लांट, इसका मतलब इनके अंदर सीड है. तो हमारे लिए ये करेक्टर इसका नहीं है. प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, फ्रूट की प्रेजेंस एंजियोस्पर्म का करेक्टर है. तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि हमारे लिए फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाता है. ठीक है, गर्तीय रंध्र, मोटी क्यूटिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गैमा कप फाउंड इन. तो गैमा कप की प्रेजेंस मार्केंसिया में होती है, फिक्स है, पॉसिबल क्वेश्चन है. उसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है उस पर हमें ये चीज देखने को मिलती है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कप नुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं उसे हम गैमा कप कहते हैं, और ये हमें मार्केंसिया में देखने को मिलते हैं. ये राइजोइड्स हैं. आप जानते हो कि मार्केंसिया में कोई भी हो, चाहे मेल आए फीमेल, इसमें हमें एक आर्किगोनियल डिस्क देखने को मिलती है. अगर ये फीमेल है तो आर्किगोनियल डिस्क है, इसको हम कहेंगे आर्किगोनियो फोर. ठीक है, और ये फीमेल आपका
गैमेटोफाइट होगा मार्केशिया का, और ये जो चीज अपन देखते हैं ये गैमा कब कहलाती है, गैमा कब कहलाती है, ठीक है। तो ये मार्केशिया का यूनिक करेक्टर है, बाकी में स्पायरोगारा एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एल्गी है, क्लोरेला तो यूनिशल एल्गी है, इसमें पॉसिबल ये करेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट फॉर्मेशन इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी लिख रखा है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में भी खास तौर से ये लक्षण है स्फैग्नम का, स्फैग्नम को हम पीट मॉस के नाम से ही जानते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हमारे लिए फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर बायरॉइड लैक ऑफ प्रोटीन, बायरॉइड में एक्चुअली बायरॉइड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने होते हैं, प्रोटीन इनमें एब्सेंट है, तो ये ऑप्शन सही है। लाइकेन इंक्लूड एज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, याद रहे आरएच विटेकर ने लाइकेन, प्रियॉन, वायरॉइड एंड वायरस इनको फाइव किंगडम में इंक्लूड नहीं किया है। नहीं करने के पीछे वजह है क्योंकि लाइकेन एक तो फंजाई और एल्गी का सिंबायोसिस एसोसिएशन है, तो एल्गी है तो हमें प्लांटी में ले जाना चाहिए था, फंजाई है तो फंजाई में, तो इसलिए एक कन्फ्यूजन की बात है यहाँ पर, और इसीलिए विटेकर ने इसको किसी भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए ये आपके मिसमैच्ड पेयर है। यहाँ कहा गया है कि इंक्लूड इन फाइव किंगडम, जबकि इंक्लूड नहीं किया गया है। वायरस कॉमन कोल्ड है, तो आंसर तो हमारा यही मिल जाता है, कॉमन कोल्ड बिल्कुल सही है। प्रियॉन लैक ऑफ जीनोम डीएनए ऑब्लिक आरएनए, प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन का बना है, उसमें न्यूक्लिक एसिड टोटली एब्सेंट है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, मोरेल्स एंड मशरूम बिल्कुल है, एडिबल फंजाई है, इन्हें इंक्लूड किया जाता है। मोरेल्स एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, मोरेल्स ट्रफल्स और मशरूम है अपना एगरिकस है, दे आर एडिबल फंजाई ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, तो एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज इसके करेक्ट आंसर बन जाएंगे। फाइकोमाइसिटीज में मोरेल्स नहीं है, इसमें राइजोपस म्यूकर आते हैं, एस्कोमाइसिटीज है लेकिन यहाँ ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात हो रही है तो वो पॉसिबल नहीं है, इससे करेक्ट आंसर हमारा सेकेंड बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग एजेंट रिलेट विद द न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ये अच्छा है, न्यूरोलॉजिकल जो डिसीजेज हैं, कहा जाता है कि प्रियॉन ब्रेन के गैंग्लियन में जाके उसे डिग्रेड करते हैं, और जैसे अल्जाइमर जैसे सिम्टम्स बॉडी में जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर प्रियॉन एक बढ़िया ऑप्शन है अपने पास, टीएमबी ऐसा करता नहीं है, एचआईवी नहीं, बायरॉइड नहीं, फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स टूवर्ड्स द माउथ ऑफ आर्की गोनिया, कायदे से यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो ये आर्कीगोनिया के माउथ में कौन लाएगा, और दूसरी पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब कहाँ बनेंगे, जहाँ पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन दो ही जगह बनते हैं, एक जगह है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ आर्कीगोनिया की बात करिए, जबकि एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया नहीं होते हैं, तो पोलन ट्यूब और आर्कीगोनिया इनकी प्रेजेंस जिम्नोस्पर्म में ही प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, तो जिम्नोस्पर्म का जो भी मेंबर है वो हमारे लिए राइट आंसर बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज करेक्टर ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड का क्या करेक्टर है, ओबियसली स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्टा का मेंबर है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इनमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, फ्रूटिंग बॉडी कहीं ना कहीं फंगस का विशिष्ट लक्षण माना जाता है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं, मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज नहीं, बिल्कुल नहीं, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्रिपेयर प्रोटिस्टा के मेंबर है, इनमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनाएंगे, तो हमारे लिए थर्ड आंसर करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रस्ट एंड स्मट, रस्ट आप जानते हो एक तो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है और एक होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट डिसीज कहीं ना कहीं एक तो पक्सीनिया जनरेट करता है और एक एल्बिगो जनरेट करता है, तो पक्सीनिया हमारे पास है जो ब्लैक रस्ट को डिसीज को कॉज करेगा, फिर है आपकी स्मट, स्मट का मतलब है अस्टिलेगो, अस्टिलेगो न्यूडा इसका पूरा नाम है, जो लूज स्मट ऑफ व्हीट गेहूं में एक रोग कंड रोग उत्पन्न करता है जिसे कंड कहते हैं और इसे किट कहते हैं, तो इसके लिए परफेक्ट आंसर अपना बनना है पक्सीना एंड अस्टिलेगो, फर्स्ट इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 112वें नंबर के क्वेश्चन में है, आइसोगैमस मोटाइल सेक्सुअल गैमेट्स आर फाउंड इन, आइसोगैमेट्स का मतलब है कि इनके जो गैमीट है इनकी फिजियोलॉजी वेरिएबल हो बट दे आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा करेक्टर आपको एक तो ये
ध्यान से देखो तो 12th के एनसीईआरटी में आइसोगैमेट दिखाए गए हैं वो क्लेडोफोरा के हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही आपको नजर आते हैं। ऐसा ही यूलोथ्रिक्स में भी हमें देखने को मिलता है। वॉल्वैक्स में ऊगेमी होती है, यहाँ नॉन मोटाइल होते हैं तो हो नहीं सकता। यहाँ पर भी हम देखें तो फ्यूकस में ऊगेमी होती है, आइसोगैमी नहीं है। वॉल्वॉक स्पायरोगायरा फिर आ गया तो ये हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली हमारे लिए सेकेंड करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लार्ज पिनेटली कंपाउंड लीव्स फाउंड इन, तो लार्ज ये करेक्टर है हमारे पाइनस के केस का। पाइनस में ऐसे मेल कौन है, बाकी ऐसे कंपाउंड लार्ज लीव्स हैं तो इनकी बात हो रही है, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आती हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी परसिस्टेंट शब्द भी यूज हुआ है और ये अल्टीमेटली साइकस के केस में हो रहा है। तो ये सिलेजिनेला में लीव्स तो हैं लेकिन स्पायरली अरेंज्ड हैं और सिंपल लीव्स होती हैं। यूलोथ्रिक्स और मार्केंशिया में लीव का कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आता है। तो नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है, नॉन मोटाइल आइसोगैमेट्स, नॉन मोटाइल ये चल फिर नहीं सकते हैं, तो इसका परफेक्ट आंसर अपने लिए बनता है स्पायरोगायरा। कहा जाता है कि स्पायरोगायरा की जो दो सेल होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब से, और उनके जो मेल गैमीट हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दो सेल से यहाँ से पास आउट होकर यहाँ पर पहुँचते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए, तो ये नॉन मोटाइल फॉर्म है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर शो होता है, यहाँ पर मोटाइल है, यहाँ मोटाइल है, और यहाँ पर आइसोगैमेट्स नहीं है। एक्चुअली पाइनस में अलग अलग तरीके के गैमेट भी मिलेंगे तो अलग अलग मिलेंगे, तो हमारे लिए थर्ड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो ये किसके जरिए, बैक्टीरिया के जरिए हमें देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर फॉलोइंग करेक्टर्स, ये अपन को करेक्टर्स को कंसिडर करना है। ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक ग्रीन एल्गी होना चाहिए और फ्रेश वाटर में प्रेजेंस होना चाहिए। याद रहे फ्रेश वाटर में जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन एल्गी के मेजोरिटी में मेंबर्स होते हैं, जबकि रेड एंड ब्राउन एल्गी ज़्यादातर मेराइन में प्रेजेंस होता है। तो इस तरीके से हमारे लिए आंसर एक तो ग्रीन एल्गी का बनना चाहिए, तो अपने लिए वॉल्वॉक्स एक ग्रीन एल्गी का मेंबर है, फ्यूकस नो, लेमिनेरिया नो, पॉलीसेफोनिया नो, क्यों, क्योंकि रेड एंड ब्राउन के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग यूज्ड इज मोस्ट एक्सटेंसिव, एनसीईआरटी में लिखा है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो ये है न्यूरोस्पोरा का करेक्टर। किसका करेक्टर है ये, न्यूरोस्पोरा का करेक्टर है। न्यूरोस्पोरा में कई जेनेटिक वर्क किए गए हैं, जैसे डॉज एक साइंटिस्ट था उसने क्रॉसिंग ओवर डिस्कवर किया है, बीटल एंड टैटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी इसी जगह दी थी जब वो न्यूरोस्पोरा क्रेसा पर स्टडी कर रहे थे। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट रिक्वायर फॉलोइंग एलिमेंट, तो याद रखना बोरोन, बोरोन एक तो ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, एनसीईआरटी में लिखा है। दूसरा ये पोलन ट्यूब या पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में भी हेल्पफुल होता है, तो इस दो केस में आप बोरोन को हमेशा याद रखें। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। फॉलोइंग यूज्ड इन मोस्ट एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल, मतलब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज सो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट, किन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता, अदरवाइज बाकी सभी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। जो खच्चर होता है एक्चुअली इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये स्टराइल नेचर के होते हैं। बिल्ली के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, डॉग के अंदर होता है, फीमेल हनी बी में भी होता है। यहाँ पर एक स्टराइल जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, वर्कर में रिप्रोडक्शन नहीं होता, अदरवाइज अदर जो हनी बी हैं उनमें रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। स्टराइल कपल्स में भी हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग इंक्लूड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना अपवाद के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म को इंक्लूड की गई है, और अगर इसमें ही यहाँ शब्द जोड़ दिया जाते विथ सम एक्सेप्शन, तो यहाँ पर फिर कॉन्शियसनेस यानी कि संवेदनशीलता को इंक्लूड किया जाता है। याद रहे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म से है, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, ये बनती है मेटाबॉलिक, तो ये तो यही सही हो गया, कैटाबॉलिक माइनस मेटाबॉलिक एनाबॉलिक नहीं होंगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में दोनों चीज़ें आ जाती हैं।
एनाबॉलिक मेटाबॉलिक बिल्कुल नहीं, ये एम्फीबॉलिक बिल्कुल भी नहीं, तो अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ ए सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक अल्पराशनी बिलियन में अगर आप रख दोगे तो मतलब होगा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस जैसे ही होगा तो सेल का साई डब्ल्यू इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। हाँ, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। डीपीडी सेल इंक्रीज, जबकि डीपीडी उसका रिड्यूस होगा। जो कम से कम पानी वाली होती है, फ्लैसिड सेल होती है, उसका डीपीडी हाई होता है। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, ये गलत है। डीपी ऑफ सेल डिक्रीज, जबकि डीपी इसका बढ़ेगा, पानी के डिफ्यूजन की जो दर है वो बढ़ेगी, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो ये भी करेक्ट नहीं है। सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट मिस बेस्पियर एंडोडर्मिस पैसेज सेल। यही वो मार्ग कोशिका है जहाँ से वाटर मिनरल्स एंडोडर्मिस से में से गुजर कर पेरिसाइकिल की ओर जाते हैं। तो ये तो सही है। लैक ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप इन रूट्स, एंडोडर्मिस में कैस्पियन स्ट्रिप करेक्टर है, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर यही बन जाता है। एंडोडर्मिस सिम्प्लास्ट मूवमेंट शो करती है, क्यों? क्योंकि चाहे एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो, यहाँ पर मिनरल्स और वाटर को उसकी मेम्ब्रेन में पास आउट होना ही पड़ता है, इसलिए हमारे लिए ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हो नहीं सकते, सेकेंड करेक्ट आंसर जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। कॉलम को मैच करना है डाइकॉट लीव। डाइकॉट लीव में क्या होता है, जो अबेक्जियल होती है उस पर ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं, तो आपके लिए ए में सेकंड जा रहा है। और इसमें दोनों पर एक सेम होते हैं, तो ये इसके लिए चला जाएगा, डॉर्सी वेंट्रल का कंसेप्ट है। तो आप सीधे देख सकते हो सेकेंड एंड थर्ड, ये आपका ए का करेक्टर जा रहा है, और फर्स्ट एंड फोर्थ ये करेक्टर जा रहा है मोनोकॉट के केस में। तो हमारे लिए फर्स्ट ही करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग प्लांट हैव होमोस्पोरी। वहाँ हमने हिट्रोस्पोरी की बात करी थी, होमो, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो होमोस्पोरी यूकेरियोटिक का करेक्टर है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ अपन को हिट्रोस्पोरी मिलेगी। वन एंड थर्ड में हिट्रोस्पोरी होती तो तब फोर्थ सही होता, अदरवाइज यहाँ सेकेंड सही है। सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वायरस। वायरस है डीएनए आरएनए, ये यहाँ गलत हो गया। यहाँ और करके लिखते तब तो बात बन जाती। तो विषाणु में जेनेटिक मटेरियल डीएनए अथवा आरएनए के रूप में होता है, कोई एक होता है, दोनों कभी नहीं होते, इसलिए गलत हो गया और यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। एंटीबायोटिक्स से अफेक्ट नहीं होते हैं, ये दोनों वायरस हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होता, फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेड काउ डिसीज, ये किससे होती है, ओब्वियसली प्रियोन से होती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर बैक्टीरिया मोनेरा पेंसिलियम फंजाई गोनियोलेक्स प्रोडिस्टा। अमीबा प्रोडिस्टा में आता है, एनिमिलिया में नहीं आता है, तो इसलिए ये मिसमैच्ड पेयर हो रहा है, फोर्थ करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है। द नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑफ यूग्लिना, यूग्लिना के करेक्टर क्या क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये नहीं है, इसमें पिगमेंट हायर ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी कहती है क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यूकेरियोटिक सेल ऑर्गन है, फ्लेजेला इनमें मोटाइल ऑर्गन है, तो फोर्थ जो है करेक्टर्स वो यूग्लिना से रिलेट करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज़्यादातर एल्गी का करेक्टर है, मोस्टली एल्गी जो होते हैं, खासतौर से ग्रीन एल्गी, उनमें हैप्लॉन्टिक नेचर हमें देखने को मिलता है। यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर डिप्लॉन्टिक है, तो हमारे पास यूलोथ्रिक्स एक करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन, तो ऊगेमस हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, यहाँ इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि फोर्थ आंसर हमारे लिए करेक्ट बन जाता है। सिलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर द फॉर गैमा कप, गैमा कप के लिए सही विकल्प चुनना है। क्लियर कट लिखा है एसेक्सुअल बर्ड ऑफ मार्किंसिया, मार्किंसिया के एसेक्सुअल बर्ड हैं, बिल्कुल सही है, सेक्सुअल बर्ड हो नहीं सकते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फिनोरे के नहीं है, स्पोरोफाइट मार्किंसिया के नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, विंग्ड पोलन के, अच्छा है ये, एक साल नीट में क्वेश्चन भी बन चुका है, इनमें विंग्ड पोलन ग्रेन इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर विंग्स होते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन बनाया गया था, और विंड पॉलिनेशन एनसीईआरटी में लिखा है, इसका मतलब है एनिमोफिली हमें देखने को मिलती है, और ये हमें पाइंडस के केस में दिखते, तो ये हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है।
सीड हैबिट में स्टडीड इन, तो सीड हैबिट याद रहे सिलेजिनेला में पढ़ा जाता है, सीड प्रेजेंस नहीं, सीड की हैबिट कहाँ होती है। तो सीड हैबिट हमें ट्रिडोफाइट में मिलती है, जबकि जिम्नोस्पर्म से तो सीड फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एंजियोस्पर्म में भी सीड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रायोफाइट आर एम्फीबियन प्लांट, बिल्कुल सही, एल्गी मोस्टली एक्वेटिक हैं, बिल्कुल सही, बोथ स्टेटमेंट आर राइट, फर्स्ट आपके लिए करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, मेन प्लांट बॉडी ऑफ फॉलोइंग प्लांट है, इस पर ट्रू, ट्रू शब्द पर जाओ, अगर यही स्यूडो होते तो ये ब्रायोफाइट के लिए चला जाता, अब ये ट्रिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के लिए करेक्ट आंसर बन जाता है, फर्स्ट सही है। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट राइट ऑप्शन गिव इन बिलो, यूनिशेलर एल्गी अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में लिखा है, यूनिशेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्चुअली नॉर्मली जैसे अमीबा है फ्रेगमेंटेशन करता है, बैक्टीरिया है बाइनरी फिजन करता है, तो उसकी नंबर ऑफ सेल्स भी तो बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल और मास का इंक्रीज होना वही तो आपकी ग्रोथ कहलाता है, तो एक्चुअली यहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों के सिनोनिम्स कंसिडर किए जाते हैं, ये राइट। ग्रोथ इज ऑनली नॉन लिविंग कैरेक्टर, लिविंग में भी होता है, ह्यूमन बींग इज अवेयर फॉर, ये भी सही है, तो यानी कि इसका फर्स्ट एंड थर्ड हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, तो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोल्स लीनियस, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हिटरोट्रॉफिक, ये किधर जा रहा है, लैक ऑफ सेल वॉल, एनीमेलिया की ओर जा रहा है, बिल्कुल सही है, फंजाई में सेल वॉल है, इनमें सब में सेल वॉल हो सकती है, सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फॉलोइंग करेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड एज बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, याद रहे मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जाति ब्रत फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर समझा जाता है, यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका यूकैरियोटिक, फिर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर, मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हमारे लिए फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंस इन, एनसीईआरटी में लिखा है गट ऑफ काउज, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे भैंस है गाय है, इनमें हमें ये देखने को मिलते हैं उनके रूमेन रीजन में, हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे ये थर्मो एसिडोफिल होंगे, सॉल्टी लेक में आपको मिल सकते हैं हेलोफिल बैक्टीरिया, और काउज वहाँ मिथेनोजंस बैक्टीरिया मिल सकते हैं, तो मतलब फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हिट्रोसिस्ट, अच्छा क्वेश्चन है, ये हिट्रोसिस्ट एक नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव सेल का मॉडिफिकेशन है और बीजीए साइनोबैक्टीरिया का यूनिक करेक्टर है, क्लियर, नॉस्टॉक एनाबीना ऑसिलेटोरिया इनमें इसकी प्रेजेंस होती है, तो हमारे पास एक नॉस्टॉक है, करेक्ट आंसर वही बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा इज नॉट इंक्लूड एज ए ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ में आपकी स्लाइम मोल्ड कभी भी नहीं आएगी, युगलिना लाइट की प्रेजेंस में है तो ऑटोट्रॉफ है, अदरवाइज हेटरोट्रॉफ मिक्सोट्रॉफिक शो करता है, ये दोनों 100% ऑटोट्रॉफिक है। सिनोसिडिक, अच्छा है, सिनोसिडिक हाइफी ये फाइकोमाइसिटिस का करेक्टर है, एंड यूनिशेलर, यूनिशेलर फंजाई अपनी ईस्ट है, तो क्वेश्चन आंसर इनमें कहीं है, तो म्यूकर आपका फाइकोमाइसिटिस का मेंबर है, ईस्ट यूनिशेलर है, करेक्ट हो जाता है। फ्रूटिंग बॉडी हैव एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर तो अपने कहाँ होंगे, जो एस्कोमाइसिटिस के सदस्य होंगे एस्परजिलस में होंगे, ये बेसिडोमाइसिटिस है, ये अपनी डिटोरोमाइसिटिस है, ये बेसिडोमाइसिटिस है, फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, कंटाजियम बायवम फ्लूडम, एनसीईआरटी में लिखा है एम डब्ल्यू बेचरनिक, इन्होंने इसको दिया है, इनका मानना है कि संक्रमित संक्रमक द्रव्य के रूप में ये काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है, एजेंट सिमिलर टू, ये एनसीईआरटी में लिखा है ये वायरस के सिमिलर होता है, मेड काउ डिसीज करता है, तो फिर से प्रियोन आंसर बन जाएगा, करेक्ट। फॉलोइंग मेंबर ऑफ एल्गी इंक्लूड ब्राउन एल्गी, ये तीनों ही ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं, ओबियसली लेमिनेरिया आपके लिए आंसर बनेगा। क्लोरिला इज ए, अच्छा है, एनसीईआरटी में लिखा है यूनिशेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, फूड सप्लीमेंट, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं ना उनको फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में इसे प्रोवाइड किया जाता है, पहला ही परफेक्ट है, फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उतना अमाउंट में नहीं है, फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रेवलर्स है ना,
तो प्रोटीन का सबसे, क्योंकि हम इन्हें SCP के नाम से जानते हैं, क्या SCP, ठीक है, आप इससे कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ, प्रोटीन नहीं होता तो उसके केस में थर्ड ग्यूर आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर है सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पर कहा गया है फ्रॉन्ट, बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गन है, स्टॉक स्टाइप है, ब्रंथ है, आपके पढ़ ये भी सवाल में पाए जाएंगे। कशाविका की उपस्थिति रेड एल्गी में कभी नहीं होती है, रेड एल्गी में किसी भी अवस्था में फ्लेजिला की प्रेजेंस नहीं है, इसका मतलब फोर्थ हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्किगोनियोफोर। अभी मैंने एक आर्किगोनिया मार्केंसिया का स्ट्रक्चर बनाया था, तो मार्केंसिया में आर्किगोनियोफोर एंथ्रिडोफोर पाए जाते हैं। तो ये आर्किगोनिया किसका, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो फीमेल गैमेटोफाइट में हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग एल्गी रिप्रेजेंट कॉलोनियल, कॉलोनियल फिलामेंटस यूनिशेलर, ये कॉलोनी वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है जो सीनोबियम के फॉर्म में इस तरीके से हमें नजर आती है। तो दिस इज ए कॉलोनियल एल्गा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स कौन है, फ्लावरिंग प्लांट फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सुक्रोज, ठीक है, गर्डलिंग, ये गर्डलिंग किया जाए तो सेंट ऑफ शेप नहीं रुकता, क्योंकि गर्डलिंग में आप फ्लोयम हटाते हो, जाइलम नहीं, समझ गए, तो आपके लिए सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 155 हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट मोजाइक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग येलोइंग एंड वैन क्लियरिंग, ये सारे जो फीचर्स आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये सारे फीचर्स आपके लिए वायरस डिसीज के हैं, जो प्लांट में डिफरेंट डिसीज को कॉज करते हैं उनमें ये सिम्टम हमें नज़र आते हैं। पौधों में मोजाइक फॉर्मेशन, पर्ण कुंडन कुंचल, पीलापन, सिराओं का छोटा होना, संदमित वृद्धि, मतलब यहाँ पर वृद्धि प्लांट की रुक जाती है, और ये सारे जो सिम्टम हैं वो एक्चुअली हमें वायरल डिसीज के देखने को मिलते हैं। NCERT में लिखे हुए ये सारे के सारे सिम्टम प्लांट्स के अंदर हमें ये वायरल डिसीज से मिलते हैं, तो राइट आंसर हमारा थर्ड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैस्ड विथ इट्स पर्टिकुलर नेम टर्म एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब ये ऑर्डर फैमिली स्पीसीज ऑर्डर, इसमें कौन सा सही मैच हो रहा है। तो जो माउस फ्लाई है मस्का, ये मस्का एक्चुअली ये जीनस है, ऑर्डर नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। टिग्रिस और ये अपनी फैमिली, एक्चुअली ये भी एक फैमिली नहीं है, ये जीनस है। मैंगजीफेरा मैंगो, और मैंगो का मैंगजीफेरा एक जीनस है, स्पीसीज नहीं है। मैंगजीफेरा इंडिका पूरा नाम होता है मैंगो का, तो इंडिका अगर होता है तो ये स्पीसीज हो जाती, ठीक है। ह्यूमन प्राइमेटा, प्राइमेटा ह्यूमन का ऑर्डर है, और इसीलिए ये एक करेक्ट मैच हमें मिलता है, राइट आंसर अपना फोर्थ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, फंजाई मोस्टली ग्रो इन, फंजाई के NCERT में ग्रो के सिम्टम दिए गए हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर अप्रॉक्स आपका 30 से 35 चाहिए, ह्यूमिडिटी लगभग 90% चाहिए, और लो लाइट चाहिए। तो इसमें दो सिम्टम आपके लिए गए हैं, एक है वार्म गर्म जगह होना चाहिए, प्लस ह्यूमिड प्लेस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी हो मैक्सिमम होना चाहिए। ये हॉट ठीक है, सॉल्टी प्लेस उस पर अप्लाई नहीं होते, हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, ड्राई में कभी भी फंगस सर्वाइव नहीं करती है, कोल्ड एंड ड्राई प्लेस, ड्राई प्लेस के लिए ये फर्स्ट और सेकेंड अपने ऑप्शन यहाँ राइट आंसर नहीं बन सकते हैं, राइट आंसर अपना फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट, ट्रू न्यूक्लियस इज एबसेंट इन, एक बार नीट में ये क्वेश्चन बन चुका है, एक्चुअली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर कभी भी न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती है, तो हमें इसमें प्रोकैरियोटिक को ही डिटेक्ट करना है। वॉलवॉक्स एक एल्गी है, आंसर नहीं बनेगा, म्यूकर अपना फंगस है, यूकैरियोटिक मेंबर है, आंसर नहीं बनेगा, ईस्ट भी यूकैरियोटिक है, एनाबीना आपके लिए बीजी है, तो अल्टीमेटली अपना राइट आंसर सेकेंड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, मैनीटॉल इज द स्टोर फूड इन, मैनीटॉल
एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया है कि मेनिटोल स्टार्च है ना, तो ये आप देखोगे कि ये जो कारा है इसमें अपना नॉर्मल जो स्टार्च है वो फूड मटेरियल होता है, ऑयल के फॉर्म में होता है। तो ग्रीन एल्गी में आपको ये मैनिटॉल नहीं मिलेगा। ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं कारा, तो राइट आंसर ये नहीं है। ये भी ग्रीन एल्गी है, ये भी ग्रीन एल्गी है, तो अल्टीमेटली अपना फ्यूकस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द वाटर इज पुल्ड अप इन टॉल प्लांट थ्रू द जाइलम द कॉज बाई पुलिंग। पुलिंग फोर्स किसके जरिए जनरेट होता है, तो पुलिंग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो है ट्रांसपिरेशन पुल। लीव्स में जो जितना ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर लॉस होगा उतना ही वाटर रूट के जरिए एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो गटेशन एक्चुअली वो प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का लॉस है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है। रूट प्रेशर गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है ट्रांसपिरेशन बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है ट्रांसपिरेशन पुल कोहेसिव एडहेसिव फोर्स थ्योरी। तो इस तरीके से हमारे लिए करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेट विथ सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट से कौन रिलेट नहीं कर रहा है? सिम्प्लास्ट का मतलब है कि दो सेल के बीच में किस तरीके से वाटर का फ्लो होता है, हम इसे सिम्प्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल के बीच में है, यस। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है वो भी सिम्प्लास्ट को हेल्प करेगा, तो अल्टीमेटली ये भी है। लेकिन जब हम ट्रैकीड में जाते हैं तो ट्रैकीड एक नॉन लिविंग मीडियम है, यहाँ सिम्प्लास्ट नहीं होगा, यहाँ एपोप्लास्ट तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो नॉट रिलेट पूछा गया है, संबंधित नहीं है ये पूछा गया है, तो हम जाइलम वाहिनिका को राइट आंसर बनाएंगे। पैसे सेल तो 100% सिम्प्लास्ट शो करते हैं, तो ये आंसर बन नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा थर्ड। ओके, नेक्स्ट, अच्छा है एनसीईआरटी में लिखा है वाटर मिलन तरबूज के अंदर लगभग कितना अमाउंट में वाटर होता है, तो वो होता है मोर देन 90%, ये एनसीईआरटी ने लिख रखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधे सीधे हमें याद रखना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग ऑप्शन फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सो साध्य विसरण के लिए हमें गलत को चुनना है, ठीक है, रॉन्ग गलत विकल्प का चयन करना है सुसाध्य विसरण के लिए। आप जानते हो सुसाध्य विसरण में जो मेम्ब्रेन पर प्रोटीन्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, डाउनहिल मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, खास बात। तो अपहिल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये लागू होता है, लेकिन हमारे लिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए नहीं है। रिक्वायर्ड हाईली सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वो यूज हो रही है, तो ये हमारा एप्लीकेबल है। रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सभी जब प्रोटीन वर्क करते हैं तो वो फिर सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है, लेकिन अपहिल आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये एक्टिव का करेक्टर है, तो इसलिए राइट आंसर सेकेंड बनता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट मिसमैच पेयर वाटर मिलन ओवर 92% वाटर, बिल्कुल सही है। मस्टर्ड एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू वेट विद इन अबाउट 5 आवर्स, ये बिल्कुल सही है। ड्राई सीड कंटेन, देखो ड्राई सीड्स में 10-15% अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये आपका 60% कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए इस पॉइंट पर ये गलत हो जाता है, यानी कि मिसमैच्ड है, फर्स्ट सेकेंड हो नहीं सकते, करेक्ट आंसर हमारा थर्ड जाएगा। नेक्स्ट, ये वाटर पोटेंशियल से अच्छा क्वेश्चन है। वाटर पोटेंशियल यानी कि साई डब्ल्यू, ओके, अगर हम इसका साई डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं तो साई डब्ल्यू आपका कितना आएगा, -2, ये कितना आएगा, क्योंकि हम साई एस को माइनस में रखते हैं, ये बात फिक्स है, तो यहाँ पर जो आ रहा है वो 7 आएगा, वो भी कैसा, माइनस में। अब याद रखो सबसे ज़्यादा साई डब्ल्यू किसका होता है, जिसका 0 यानी कि फुली टर्जिड सेल, तो फुली टर्जिड सेल के नियरेस्ट कौन है, ये, तो इसका मतलब वाटर का अमाउंट इसके पास ज़्यादा है, तो ये ए से बी की ओर पास आउट होगा, सीधा अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट है द नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस, ये एनसीईआरटी की लाइन है। डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रोसेस, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है। हाई ओपी लो डीपीडी ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर लो टेम्परेचर ऐसा कुछ भी नहीं है, वाटर ग्रेडियंट ये रिलेट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, सीधे अपना ये फर्स्ट आंसर है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
Plant cell may plasmolyzed when it placed in following solid. Plasmolyzed होना है मतलब आप एक सेल को ऐसे पॉइंट पर रख दो जहां पर वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है ना, तो इसका मतलब इसमें एक्जोस्मोसिस होगी. एक्जोस्मोसिस के लिए आपको क्या रखना होगा, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक्जोस्मोसिस होती है, वाटर बाहर इजेक्ट होगा और अल्टीमेटली ये श्रिंक हो जाएगी. नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा है, हाइड्रिला की लीप में हम इसे स्टडी कर सकते हैं. तो बिना किसी कंफ्यूजन के हम फर्स्ट आंसर पर टिक लगाएंगे. ओके, नेक्स्ट, गटेशन प्रोसेस इज स्मॉल हर्बेसियस प्लांट लाइक ग्रासेस रिक्वायर्ड. देखो, गटेशन की प्रोसेस के लिए रूट प्रेशर का हाई होना जरूरी है, इसलिए गटेशन की प्रोसेस हमेशा कब होती है, अर्ली मॉर्निंग जब ट्रांसपिरेशन की रेट कम होती है, वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन की सुटेबल कंडीशन ज़्यादा होती है, रूट प्रेशर हाई होता है, तब वाटर जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इसे गटेशन कहते हैं. यहाँ से वाटर का लॉस होना, तो इसके लिए आपको रूट प्रेशर हाई होना चाहिए. तो सीधा अपना आंसर बनता है, हाई टेम्परेचर में ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी तो गटेशन नहीं होगा, लो टेम्परेचर हाई ट्रांसपिरेशन, हाई ट्रांसपिरेशन में गटेशन नहीं होगा, लो रूट प्रेशर, रूट प्रेशर रूट तब होता है जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है ना, तो हमारा रूट प्रेशर हाई होना चाहिए तभी गटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है. अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो रहा है जो कि नीट का नया पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफाई किए गए हैं दो सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट सेगमेंट है अपना एसेंट ऑफ सेप. एसेंट ऑफ जाइलम सेप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी. एनसीईआरटी में लिखे हैं कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आप ट्रैकीट देखते हो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं. वाटर के मॉलिक्यूल में आपस में जो फोर्स बनता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है. इसके बीच में जो फोर्स बनता है हम इसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं. और जो सरफेस टेंशन है ये भी वाटर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है. तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दीज आपके ये तीनों ही करेक्टर हैं जिसकी वजह से असेंट ऑफ शेप की प्रोसेस कंडक्ट होती है. नेक्स्ट, फॉलोइंग फैक्टर्स मे अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सबसे ज़्यादा तो अफेक्ट करता है ह्यूमिडिटी, उसके बाद में जो अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर. तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड. एंजाइम का कोई रोल इसमें होता नहीं है, यानी कि ट्रांसपिरेशन में कोई एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करते. क्लियर, फोर्थ करेक्ट आंसर बनेगा. ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा परफॉर्म बाई फॉलोइंग किसके जरिए. तो याद रहे, जब गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ेगा उसमें टर्जिडिटी आएगी तभी ओपनिंग होगी, टीपी कम होगा क्लोज हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली सीधे सीधे गार्ड सेल का ट्रिगर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है. आप भली भांति जानते हो कि गार्ड सेल में जो यहाँ पर रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इनकी जो इनर सरफेस है वो थिक होती है ये भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो टीपी है जब टीपी हाई होगा तो ओपन हो जाएंगे, लो होगा तो क्लोज हो जाएंगे. इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके जो चारों ही वो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं और इसीलिए आपके लिए ऑल ऑफ दीज आंसर करेक्ट होता है. नेक्स्ट, फॉलोइंग एलिमेंट आर मोस्ट रेडिली मोबाइल. भी अच्छा है, एनसीईआरटी में लिखा है कौन सा बेहतर तरीके से. कैल्शियम कभी भी, कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट है, एक कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के फॉर्म में मिडिल लेमेला में होता है. अल्टीमेटली बात यह है कि आपका ये मोबाइल नहीं है, नाइट्रोजन और पोटेशियम आपके लिए मोबाइल है. तो ये फोर्थ करेक्ट आंसर बनेगा. ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट. मैक्सिमम नाइट्रोजन कैरिड आउट बेज ऑर्गेनिक फॉर्म, बिल्कुल सही है. मिनिमम नाइट्रोजन कैरिड आउट इन ऑर्गेनिक फॉर्म, सही है. सल्फर कैरिड आउट मैक्सिमम, ये सही है. लेकिन फॉस्फोरस और सल्फर दोनों ही इनऑर्गेनिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसलोकेट होते हैं, तो ये यहाँ इस पॉइंट पर गलत हो जाता है. अगर हम यहाँ इनऑर्गेनिक लिखते तो अल्टीमेटली ये आंसर हमारे लिए करेक्ट बनता, लेकिन हमें रॉन्ग पूछा गया है तो फोर्थ इसके लिए करेक्ट बन रहा है. सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर सोर्स ऑफ मिनरल सॉइल वाटर, बिल्कुल सही है. मिट्टी के जो वाटर है उसी से सारे प्लांट्स मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके लिए सोर्स है. सिंक एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक मेरिस्टेम है, लीव बड है, फ्रूट्स हैं, ये सभी उसके लिए सिंक की तरह वर्क करेंगे. सोर्स फॉर फूड ऑलवेज नॉन फोटोसिंथेटिक, ये नहीं
क्योंकि जहाँ भोजन बनेगा फोटोसिंथेसिस होगी, फूड मटेरियल वहीं प्रिपेयर होगा और वहाँ से दूसरे हिस्सों में ट्रांसलोकेट किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये यहाँ मिसमैच्ड बन रहा है। सिंक ओबियसली रूट होते हैं, तो हमें थर्ड आंसर करेक्ट मिलता है। सुक्रोज मूव फ्रॉम कंपेनियन सेल टू सीप ट्यूब, ये एनसीईआरटी में लिखा है, एक्टिव लोडिंग प्रोसेस होती है, बाकी ये आपके आंसर होंगे नहीं। नेक्स्ट, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट मे कंडक्ट बाई द फॉलोइंग, तो याद रहे शॉर्ट डिस्टेंस हम कहते हैं कि जब सेल टू सेल कोई सब्सटेंस मूव कर रहा है, तो इसमें आपका एक तो क्या होगा, डिफ्यूजन पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर ये मूवमेंट शो करता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बिल्कुल होगा, यूज ऑफ वैस्कुलर बंडल एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, ठीक है, तो आपको इसे इग्नोर करना है, मतलब ये आपके लिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसमें आपका आपके लिए जो फर्स्ट और सेकेंड है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट कंडक्ट एज, याद रहे प्लांट के अंदर फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में, तो ट्रांसपोर्ट इसमें सुक्रोज के फॉर्म में किया जाएगा, थर्ड राइट आंसर बनेगा। फॉलोइंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रिलेट विद द एल्गी, कौन सा एल्गी से रिलेट करता है, अगार अगार ऑब्टेन होता है, और ये आइसक्रीम बनाने के लिए बिल्कुल वही सब्सटेंस केरासिनिन और ये अगार अगार है, ये आइसक्रीम फॉर्मेशन में यूज होते हैं। पीट फॉर्मेशन एक्चुअली ब्रायोफाइट का करेक्टर है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, फर्स्ट सेकेंड दोनों ही हैं, फोर्थ हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन फॉलोइंग प्लांट्स, याद रहे जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, सब डिप्लॉन्टिक शो करते हैं, आपका ब्रायोफाइट ट्रेडोपार्ट हैप्लो डिप्लॉन्टिक शो करते हैं, एल्गी एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर कुछ एल्गी हैप्लॉन्टिक भी शो, मोस्टली हैप्लॉन्टिक, कुछ आपकी हैप्लो डिप्लॉन्टिक और कुछ डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस एक ऐसे एल्गी है जहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो होती है, मार्केंशिया हैप्लो डिप्लॉन्टिक ये नहीं होगा, ये हैप्लॉन्टिक आपका, ये हैप्लो डिप्लॉन्टिक है ना, तो फर्स्ट करेक्ट बनता है। नेक्स्ट, टू और मोर आर्किगोनिया आर फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑन ऑफ एन ओव्यूल, ये देखो ओव्यूल कहाँ बनना है, ओव्यूल वहीं बनेगा जहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होगा, सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। अब उसके बाद में ये फीमेल गैमेटोफाइट है, इसमें आर्किगोनियम की लोकेशन है, उनकी संख्या एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बात ऐसे है कि सीड कहाँ बनते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, तो इसका मतलब ओव्यूल दो ही जगह हो सकता है, लेकिन आर्किगोनियम की प्रेजेंस एंजियोस्पर्म में बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए ये सीधा आंसर किसकी ओर जाएगा, जिम्नोस्पर्म के लिए, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर ये फर्स्ट मिलता है। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम होते नहीं हैं, यहाँ आर्किगोनियम है नहीं, फर्स्ट थर्ड हो नहीं सकता, करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा। ओके, ये है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट आर नॉट फाउंड इन, ये एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि लाइक ब्रायोफाइट एंड एंट्रोडोफाइट जिम्नोस्पर्म लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग गैमेटोफाइटिक स्टेज, वहाँ ऐसी कोई स्टेज नहीं होती है, तो हम देखेंगे कि ये सीधे सीधे जिम्नोस्पर्म के लिए जा रहा है, यहाँ एल्गी के अंदर गैमेटोफाइटिक मैन प्लांट बॉडी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप देखोगे कि इसमें हमें देखने को मिलेगा, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ इंडिपेंडेंट मिल जाएगी, यहाँ इंडिपेंडेंट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट मिसमेस्पियर जायंट रेड बुड ट्री सेकोया, बिल्कुल सही, फंगल एसोसिएटेड माइकोराइजा पाइनस, बिल्कुल सही, कवर्ड सीड नहीं, जिम्नोस्पर्म एक्चुअली नेकेड सीड बियरिंग प्लांट है, तो यहाँ पर हमें ये सही आंसर मिलता है क्योंकि मिसमैचिंग इसी की हो रही है। ब्रांच स्टेम पाइनस में होते हैं, सेड्रस के अंदर होते हैं, तो पाइनस सही है, तो थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। फॉलोइंग प्लांट नॉट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है लोअर प्लांट्स को, यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म में चूँकि पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है, इसे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एयर पॉलिनेशन कंडक्ट होगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट इंक्लूड एज मॉस, मॉस में फ्यूनेरिया भी आता है,
आपका स्फेग्नम भी आता है तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ये आपका टेरिडोफाइट है तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत चुनना है। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएट देन द एल्गी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। ब्रायोफाइट हैव यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोट, बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ब्रायोफाइट हैव वैस्कुलर बंडल, नहीं, वैस्कुलर बंडल की स्टार्टिंग होती है ट्रिडोफाइट से और इसीलिए हम इन्हें क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से जाने जाते हैं। वैस्कुलर बंडल की प्रेजेंस होती है आपके ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ब्रायोफाइट में कभी भी नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, थर्ड है। नेक्स्ट, सिलेक्ट मिसमैच्ड पेयर, ब्राउन एल्गी एल्जिन, ठीक है, रेड एल्गी केराजिन, स्पैग्नम पीट फॉर्मेशन, ग्रीन एल्गी फ्लोरिडिन स्टार्च, कभी नहीं होगा क्योंकि ग्रीन एल्गी में सिंपल स्टार्च एंड ऑयल एज ए रिजर्व फूड प्रेजेंस होता है, तो आपका ये फोर्थ करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट गिवन बाय बेंथम होकर एनसीईआरटी में लिखा है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, दोनों ही हमारे लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन जा रहे हैं, फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में लिखा है, सीआर जैकॉब डिसीज, इसे पूरा नाम है क्रिड्सफील्ड जैकॉब डिसीज, ये प्रियोन के जरिए होती है, आपको हमेशा याद रखना है, पॉसिबल क्वेश्चन है आपके लिए नीट का। नेक्स्ट, वायरस आर मेड अप ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन को नीट में पूछते ही रहते हैं, तो आपके लिए क्या, ओनली कैप्सिड, कभी नहीं, ओनली न्यूक्लिक एसिड, कभी नहीं, कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि डीएनए और आरएनए है ना, क्योंकि बोथ न्यूक्लिक एसिड नेवर प्रेजेंस इन ए इन ए वायरस, ठीक है, हमने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इसे गलत करने के लिए ओनली डीएनए रख रखा है, जबकि वायरस में आरएनए भी हो सकता है, इसलिए आपके लिए थर्ड करेक्ट बनता है। नेक्स्ट, डाइकैरियोटिक फेज, अच्छा है, फंगस से क्वेश्चन बनाया गया है, डाइकैरियोटिक जो स्टेज है वो आपके दो ही जगह मिल सकती है, एक आपकी एस्कोमाइसिटिस, दूसरा बेसिडोमाइसिटिस, तो फाइकोमाइसिटिस में ऐसा कुछ होता नहीं है, एस्को में यस, ड्यूटेरो में नो, तो आपका फर्स्ट थर्ड होगा नहीं, सेकेंड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग फंजाई रिप्रेजेंट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही है, मतलब जो बीमारी फैलाएंगी वो पैरासिटिक फॉर्म में हो सकती है और खासतौर से मस्टर्ड के ऊपर, तो एल्बिवो कैंडिडा है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर डिसीज कॉज करता है, ये एक पैरासिटिक फॉर्म हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग कलर मे रिप्रेजेंट बाई डायनोफ्लेजिलेट्स, बिल्कुल सही है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, रेड भी है, तो सभी तरीके के आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्सेप्ट फॉलोइंग, तो बैक्टीरिया में ये कर्ड बनाया जाता है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये प्रिपेयर मिल्क फ्रॉम ग्रास, ये बैक्टीरिया का करेक्टर नहीं है, ये एक एनिमल फिजियोलॉजी है जहाँ पर वो मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलेट विद द लखनऊ इंडिया, बिल्कुल एनसीईआरटी में है, याद रखना है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग द इन द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड, जू, जू में जाते हैं तो बच्चे जो है वहाँ अच्छा महसूस करते हैं और वो अच्छा फील करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन नीट में बन भी चुका है, थर्ड अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जेनरा सोलेनम पेटूनिया धतूरा, ये किस में होंगे, सोलेनेसी फैमिली में, सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी बुक रिटन बाय कैरोलस लीनियस, किसने, लीनियस, तो अपना फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर वाटर पोटेंशियल, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज पास्कल, बिल्कुल सही है, वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंट फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन वाटर इंक्रीज, नहीं ये डिक्रीज करेंगे, अपना यहाँ गलत हो गया, साई डब्ल्यू सी रिप्रेजेंट होता है, थर्ड अपना करेक्ट आंसर बनता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पेपर आपने अच्छा किया होगा, फुली एनसीईआरटी बेस पेपर था, इसमें पूरा नीट का पैटर्न फॉलो किया गया है, आप इसे एनालिसिस करें और इसे समझने की कोशिश करें, है ना। ओके, थैंक यू।